अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नोबल मेटल्स की। नोबल मेटल्स हमारे पास तीन से चार हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है एंड प्लैटिनियम है। ये चार जो मेटल्स हैं ये नोबल मेटल्स हैं। नोबल कहते हैं शरीफ को, जैसे कि नोबल गैसेस हैं कि वो आमतौर पर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसी तरह से जो नोबल मेटल्स हैं ये भी थोड़े बहुत शरीफ होते हैं, किसी के साथ पंगा नहीं लेते, रिएक्ट नहीं करते। अब ये नोबल क्यों हैं? पहली बात तो ये मेटल हमारे जहन में मेटल के आते ही ये अल्फाज आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेंगे या ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। जबकि कुछ मेटल्स जो जिनके मैंने ये चार नाम लिखे हैं, ये मेटल ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते आसानी के साथ, इसीलिए ये नोबल मेटल्स कहलाते हैं या शरीफ मेटल्स कहलाते हैं। इनका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि ये आसानी के साथ ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। अब जब ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते तो ये किसी भी चीज़ के साथ इतनी आसानी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेटल्स हैं, दूसरे मेटल्स, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, क्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल HCl, जितने भी मेटल्स हैं इसके साथ रिएक्ट करेंगे। लेकिन ये जो चार पांच मेटल हैं ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करते, जबकि गोल्ड और प्लैटिनियम वो तो बिल्कुल भी नहीं करते, किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते। जबकि कॉपर और सिल्वर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बजाय नाइट्रिक एसिड या हाइपोक्लोरिक एसिड, या HClO4, सिल्वर और कॉपर, ये अगर ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो ये दोनों एसिड, तब इसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज़ ये भी रिएक्ट नहीं करते। जबकि प्लैटिनियम और गोल्ड ये सिर्फ़ और सिर्फ इकोरिजिया इसके साथ ही रिएक्ट करेंगे, इसी के अंदर डिसॉल्व होंगे और किसी के अंदर नहीं होंगे। अब इकोरिजिया क्या है? ये थ्री पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी थ्री पार्ट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वन पार्ट नाइट्रिक एसिड है। यानी अगर आपके पास 100 मिलीलीटर एसिड है तो उसमें से 75 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 25 मिलीलीटर वो नाइट्रिक एसिड हो, तब ये रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज़ ये रिएक्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो नोबल मेटल्स हैं इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर अच्छा मेटल है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए काम आता है, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उसके अंदर कॉपर वो इस्तेमाल किया जाता है। बाकी तीन मेटल गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनियम ये महंगे हैं, सिल्वर इनमें सस्ता है। सिल्वर और गोल्ड ये बहुत ही ओल्ड है, बहुत पहले से इंसान को इनके बारे में पता है। और सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी, जेवरात बनाने के लिए सदियों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर। इसके अलावा ये कॉइन्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे पुराने ज़माने में, जो लोगों को तनख्वाहें दी जाती थी, सैलरीज़ दी जाती थी मुलाजिमों को, या लेन देन का जो मामला होता था वो सोने और चांदी में ही होता था, गोल्ड और सिल्वर में ही किया जाता था। गोल्ड जो है वो सॉफ्ट मेटल है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसको इसकी सॉफ्टनेस या इसकी प्योरिटी वो कैरेट्स में फाइंड आउट की जाती है। तो जो प्योर गोल्ड होगा वो 24 कैरेट होगा, प्योर गोल्ड 24 कैरेट होगा। अब इससे जितने कम कैरेट होते जाएंगे उसकी प्योरिटी उतनी ही कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 22 कैरेट है, उसको डिवाइड करेंगे 24 से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आएगा हमारे पास 92। तो 22 कैरेट जो गोल्ड होगा वो 92% होगा, 24 कैरेट वो 100% प्योर होगा, और इतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा हाथ लगाएंगे और दब जाएगा और उसके जेवर या कोई भी चीज़ नहीं बन सकेगी। कॉपर
वायर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से कॉपर और निकल उसका एलॉय आजकल कॉपर निकल एलॉय, कॉपर प्लस निकल इसके एलॉय आजकल कॉइन्स सिक्के वो बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिल्वर, सिल्वर की अगर बात करें तो फोटोग्राफी इसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। फोटोग्राफी में हम सिल्वर को इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर हैलाइड्स, सिल्वर क्लोराइड जो है वो हाईली लाइट सेंसिटिव होता है। सिल्वर क्लोराइड की हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट होती है, जैसे ही उस पर लाइट पड़ती है जहाँ से रिफ्लेक्ट होगी वहाँ पर इमेज प्रोड्यूस हो जाएगा और उसको डिवेलप करके हम इस्तेमाल कर लेंगे एज ए फोटो हम देख लेंगे। इसी तरह से गोल्ड एलॉयज डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो मसनूई दांत हैं या आर्टिफिशियल टीथ हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से आर्थराइटस, गोल्ड के साल्ट्स आर्थराइटस जो जोड़ों के दर्द की बीमारी है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से प्लाटीनियम अगर बात की जाए तो प्लाटीनियम को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, ये कुछ अर्सा पहले ही दरियाफ्त हुआ है। प्लाटीनियम इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, इसीलिए और इसके अलावा प्लाटीनियम के आजकल जेवरात भी बनाए जाते हैं, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी उसमें भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसका सबसे अहम काम इस सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में है, प्लाटीनियम का सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी तैयारी। इसी तरह से जो प्लाटीनियम है वो एंटी नॉक एजेंट इस्तेमाल किया जाता है और पोल्यूशन फ्री कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। आजकल जो नई कार्स आ रही हैं, जो ऑटोमोबाइल्स आ रही हैं, उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं। जब आप पेट्रोलियम को किसी भी ऑटोमोबाइल में या बाइक में या कार में बर्न करते हैं तो उससे पोल्यूशन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो प्लाटीनियम इस्तेमाल किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। तो पोल्यूशन को कम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम बनाता है, सारे के सारे फ्यूल को बर्न करने के काम आता है। ये तो थे नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स की समझ आ गई है क्यों नोबल होते हैं, उनके यूजेज़ हमने उनके यूजेज़ की भी आज हम बात कर रहे हैं। नोबल मेटल्स की इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स, कि नोबल मेटल इनर्ट क्यों होते हैं। जैसे ही मेटल के हमारे जहन में बात आती है तो मेटल वो चीज़ होती है जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर ले, रिएक्ट कर ले, लेकिन कुछ मेटल्स वो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज़ नहीं कर सकते या लूज़ नहीं कर सकते, या यूँ कह लें कि वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, तो वो नोबल मेटल होते हैं। जब वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते तो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट भी नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास एसिड्स हों तब वो रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और प्लैटिनियम ये हमारे पास नोबल मेटल हैं। गोल्ड और सिल्वर वो रिएक्ट कर लेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ या हाइपोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे, जबकि प्लैटिनियम और गोल्ड वो सिर्फ और सिर्फ इकोरिजिया के साथ रिएक्ट करेंगे। इकोरिजिया क्या है, मिक्सर है या सोल्यूशन है नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तीन हिस्से, नाइट्रिक एसिड का एक हिस्सा, तब जाके आपके पास इकोरिजिया बनेगा। इनके कुछ यूजेज हैं, गोल्ड और सिल्वर प्लैटिनियम तीनों जेवर या ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कॉपर, कॉपर की वायर इस्तेमाल की जाती हैं, कॉइन्स इस्तेमाल किए जाते हैं कॉपर के, कॉइन्स या बहुत से यूटेंसिल या बर्तन ये भी कॉपर से बनाए जाते हैं। इसके अलावा कॉपर की इलेक्ट्रिकल वायर इस्तेमाल की जाती हैं। गोल्ड और सिल्वर पुराने ज़माने से लेन देन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पुराने ज़माने में जो दिरहम दिनार वगैरह थे वो गोल्ड या सिल्वर के बने होते थे। आज के दौर में गोल्ड और सिल्वर ज़्यादातर जेवरात बनाने के लिए ही इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा सिल्वर उसके कंपाउंड्स फोटोग्राफी में इस्तेमाल होते हैं और गोल्ड के कंपाउंड डेंटिस्ट्री में मसनूई दांत या आर्टिफिशियल टीथ वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्लैटिनियम एज ए कैटलिस्ट बहुत अच्छा कैटलिस्ट है बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए। इसके अलावा ये पोल्यूशन फ्री कैटलिस्ट भी है, गाड़ियों में जो आप पेट्रोलियम या डीजल ऑयल वगैरह चलाते हैं उसके ज़रिए बहुत सी पोल्यूशन पैदा होती है। प्लैटिनियम क्या करता है, उस पोल्यूशन को कम करता है। जो आपके पास हाइड्रोकार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो रही है उसकी कुछ अमाउंट, उसको कम करके सारे के सारे हाइड्रोकार्बन को बर्न करता है। ये तो थे नोबल मेटल्स और उनके यूजेज़।